वेलकम मिसलेनियस क्वेश्चंस। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। कैनरा बैंक पीओ का एग्जाम जो 4 मार्च को संपन्न हुआ, उसके मेमोरी बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये 3 क्वेश्चंस। मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स 3 डिफरेंट चैप्टर्स के हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन हैं और एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसका ये जीता जागता उदाहरण है। SBI PO से लेकर के, क्लर्क से लेकर के IBPS PO तक जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी ओर इशारा करता है। आई माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए GST और इसको जो घटनाएं घटती हैं कैसे जोड़ा जाता है। फॉर ए मील इन रेस्टोरेंट ए कस्टमर गॉट 10% हैवी आवर डिस्काउंट बट पेड 2.5% CGST सेंट्रल GST एंड 2.5% एस स्टेट GST ऑन द डिस्काउंटेड रेट। जैसा कि अमूमन होता है, ये डिस्काउंट मिला उसके बाद ये GST है लेकर के दीजिए। हैड ही गॉट ₹200 एज डिस्काउंट एंड देन पेड सेट टैक्सेस ही वुड हैव पेड ₹42 मोर। What was the price of the meal before discount? Questions में एक जगह confusion होता है कि इस 200 रुपीस का वहां क्या लेना देना है, और यही मूल समस्या है। Two conditions had he got, तो first of all ऊपर जो है वो हम बोल सकते हैं x + y + xy / 100 equivalent change। 10% डिस्काउंट देन प्लस 5% व्हाट इज इक्विवेलेंट चेंज। मतलब रुकिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इक्विवेलेंट चेंज है, पहले 10% डिस्काउंट दिया और फिर 5% का GST लगा, तो आखिर कुल मिलाकर के ये सामान में उसके प्राइस में, टोटल प्राइस में, बिल में क्या परिवर्तन आया। तो हम जानते हैं x + y + xy / 100 यानी -5 - 50 यानी 0.5। देखिए यानी कि -5.5%। कैसे हुआ x + y + xy / 100। ये मैं बार बार यूज करता आया हूं कि मैथमेटिक्स में मेरे विचार से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये समझ गए, इसी में पुट कीजिए है, यानी कि कुल मिलाकर के जो सामान का दाम है 100% मान लें तो वो 5.5% का ही डिस्काउंट रह जाता है क्योंकि GST लग जाता है। यानी कि 94.5% पर सामान मिलता है आपको। फिर कहता है, अरे ये सब छोड़िए ना, परसेंटेज वगैरह, सीधा सीधा 200 रुपीज डिस्काउंट ले लीजिए, लेकिन GST और ये GST तो देना पड़ेगा। तो अगर हम प्राइस को एक्स मान लें कि एक्स है तो उसमें 200 रुपीज का डिस्काउंट मिला। ये डिस्काउंटेड जो वैल्यू है इस पर आपको 5% का देना पड़ेगा GST यानी 105% ऑफ दिस। ये पे कीजिए, क्वेश्चन कहता है कि ये पे कीजिए, ये वाला 10.105% ऑफ दिस ये पे कीजिए। ये पेमेंट पहले वाले पेमेंट से, पहला वाला पेमेंट क्या है 94.5% ऑफ एक्स, 42 रुपीज ज्यादा है। यही क्वेश्चन है। लिखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन में और भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे 105% ऑफ एक्स और 94.5% ऑफ एक्स, 10.5% ऑफ एक्स हुआ ना, और 105% 100% 205% एंड 210 and 42 का मतलब 252 हुआ ना। 5 जब भी होता है डेसिमल, मतलब 5 यूनिट टेस्ट पर, तो हम लोग डबल करते हैं।
यानी इसको हम जो समझ लेते हैं 21% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 252 इंटू 2, यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों करेंगे 24x क्या होगा 2400 आंसर, अब इस 2400 आंसर देखिए 94.5% ऑफ एक्स और 105% ऑफ एक्स 10.5% ऑफ एक्स और 100% 200 5% 10 210 ये माइनस है उधर जाके प्लस हुआ 252 हुआ डबल कर दिया कैंसिल कर दिया 1% मींस 24 100% मींस हाउ मच 2400 तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एलिगेशन आप बहुत पढ़े, मिक्सचर भी पढ़े, दोनों का नाम एक दूसरे के लिए भी यूज होता है, लेकिन इस क्वेश्चन ने बताया कि दोनों में अंतर भी है। आइए बताता हूं, पहले पढ़ता हूं। 30 liters of प्योर वाटर वर मिक्स्ड with 150 liters of pure milk. 30 liters of this mixture was then sold and some more quantity of pure milk and pure water were added in the ratio of 5:6. If the final quantity of milk was 500% of the initial quantity of water, then what was the quantity of pure water that was added in liters? Ye pucha hai. बताता हूं देखिए ऐसा है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्योर वाटर मिल्क है, कहीं पहले मिल्क फिर वाटर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बोलता हूं प्योर वाटर और प्योर मिल्क, ये 30 liters हैं और ये 150 liters हैं, यानी टोटल अगर हम बोलें तो 180 लीटर्स है कि नहीं। रेशियो क्या है 1:5, रेशियो क्या है 1:5, ये रेशियो है। इसमें से 30 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो रेशियो तो वही 1:5 रहेगा ना, तो 1:5:6। वाटर अगर 1 है तो मिल्क 5 है, तो टोटल मिक्सचर 6 है। 30 लीटर्स हमने निकाला है, 6 को 30 बोलेंगे तो 1 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, 1 को 5 लीटर न बोलेंगे और इसे 25 लीटर न बोलेंगे, ये निकल गया। तो 5 लीटर यहां से 25 लीटर यहां से निकल गया, तो 25 लीटर वाटर बचा और 125 लीटर मिल्क बच गया। जल्दी बोलिए, ये बच गए निकालने के बाद। इसके बाद इसमें फिर से प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर डाले गए, इस रेशियो में 5:6 मान लेते हैं, 5x and 6x, लेकिन मिल्क 5x है, तो मान लीजिए 5x मिल्क डाले गए और 6x वाटर डाले गए, तो अब मिल्क इतना हो गया, वाटर इतना हो गया। क्वेश्चन कहता है कि नाउ फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 125 लीटर प्लस 5x, दिस बिकम्स 500% मींस 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था 30, यानी 125 यानी कि 5x इज इक्वल टू 25 यानी कि x इज इक्वल टू 5। पूछा क्या है देन व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर दैट वाज एडेड। ये क्या है 6x यानी कि 6 × 5 यानी कि 30 लीटर, आंसर बी। बोलिए कितना शानदार क्वेश्चन है,
मैथमेटिकल स्किल जो आप लगातार पढ़ते हैं उसका ये टेस्ट है। ये बताता है कि किसने ज्यादा समय तक पढ़ा है। शॉर्टकट, हर जगह भाग जाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ऐसा करने से आज के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही, चैप्टर को समझना तो पड़ेगा ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है। टाइम एंड वर्क पढ़ता, ए वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए गिवन टास्क इन 20 डेज, बी टेक्स 20% मोर टाइम देन ए टू कंप्लीट द सेम टास्क, बी स्टार्टेड वर्किंग अलोन फॉर 2 डेज एंड देन वाज ज्वाइन बाय ए टिल द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, इन हाउ मेनी डेज वाज द एंटायर टास्क कंप्लीटेड। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन ठीक ठीक इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप बना चुके हैं। ए को लगता है ए काम कर सकता है 20 डेज में अकेले, 20 डेज पर वर्क ये है, और बी जो है वो 20% ज्यादा टाइम लेता है, 4 ज्यादा लेता है, 24 डेज पर वर्क, पूरे काम को 24 डेज में कर सकता है। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 120, मान लिया कि टोटल वर्क 120 यूनिट्स हैं, यानी इतना खिलाना है। तो अगर 20 डेज में पूरा 120 यूनिट्स काम करेगा, बनाएगा, तो वन डे में कितना बनाएगा, 6 यूनिट्स पर डे, और ये 5 यूनिट्स पर डे, जल्दी बोलिए, यूनिट्स पर डे। बस यही तो मेन पार्ट था। रोज काम करे, समझ लीजिए, तो ये 6 खिलौना बनाता है यूनिट्स, और बी 5 खिलौना बनाता है। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले बी काम शुरू करता है, 2 डेज वर्क करता है, उसके बाद ए और बी ए ज्वाइन करते हैं, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक। तो मैं कह रहा हूं कि 2 डेज में बी कितना काम करेगा, 5 × 2 = 10 यूनिट्स, तो बाकी कितने बचे, 110 यूनिट्स। क्यों 120 - 10 = 110, टोटल 120 यूनिट्स है ना, ये टोटल 120 यूनिट्स है ना। अब ए और बी 6 और 5 11 टॉयज पर डे बनाएगा, 11 यूनिट्स पर डे, तो 110 यूनिट्स इन हाउ मेनी डेज, 10 डेज। तो इस तरह से 10 + 2 = 12 डेज आंसर, यानी कि बी इज द आंसर। ये 10 डेज, टोटल 12 डेज, ठीक है, टोटल 12 डेज, ठीक है। बोलिए इस सेशन में आपने एंजॉय किया कि नहीं। इसमें और ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं उन सबों को सॉल्व करूंगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैं तो बार बार कहता हूं कि एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं।